प्रशासन लाख कोशिशों के बाद भी बाल मजदूरी पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। ताज़ा मामला भदोही का है, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन ने एक फैक्ट्री से 14 बंधुआ बाल मजदूरों को मुक्त कराया। आपको बता दें कि कैलाश सत्यार्थी की एनजीओ के सहयोग से प्रशासन की टीम ने नई बाजार के एक कालीन कारखाने से 14 बाल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराया। कालीन फैक्ट्री से मुक्त कराए गए सभी बच्चों की उम्र 13 साल से कम बताई जा रही है और ये सभी बच्चे बिहार के अररिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन बच्चों की माने तो उनसे 11 घंटे तक रोजाना काम कराया जाता था और मजदूरी के रूप में सिर्फ 2,500 से 3,500 रुपए महीना ही दिया जाता था। काम कर रहे थे जैसे कंपनी में, वहाँ हमार गरीब है तो काम करने आ रहे थे ना, तो काम करे 2-3 महीना तो फिर आए सब हम लोग को पकड़ के ले गए यहाँ। फिर क्या काम कर रहे थे? कालीन का काम कर रहे थे, कलेचा। हाथ में बहुत निशान पड़ गए हैं तुम्हारे? हाँ, वो जो तना रहता ना, तना किया हुआ रहता उसमें हाथ फंसा के बीनते हैं ना, इसलिए। कितने घंटे काम करते थे? सबसे 12 घंटे। 12 घंटे नहीं, 11 घंटे। हमको 3,500 रुपया महीना देता था, 12 घंटे काम कराते थे। दरअसल एनजीओ को सूचना मिली थी कि नई बाजार में आजम खान नाम के व्यक्ति के कालीन कारखाने पर बाल श्रमिकों से कालीन की बुनाई का काम लिया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन और एनजीओ की टीम ने कालीन कारखाने में छापा मारकर 14 बच्चों को मुक्त कराया। इन सभी बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर मेडिकल के लिए भेज दिया गया। इनका मामला ये है कि ये बंधुआ मजदूर हैं, इनको जबरदस्ती नई बाजार में कोई कारपेट कंपनी है उसके यहाँ से एक संस्था जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन संस्था है वो पकड़ के ले आए और डीएम साहब के यहाँ सीधे लेके गए। डीएम साहब हमको बुलाए, हम जो है इनको फिर यहाँ ले आके ऑफिस में अपने और इनको मेडिकल के लिए आदेश किए और वहाँ से फिर ये रामनगर को जाएंगे और रामनगर में फिर इनके अभिभावकों को, इनके गार्जियन को बुलाया जाएगा। फिर वो गार्जियन जब यहाँ आएंगे हमारे पास तब इनको जो है हम इनके घर पर रिलीज़ कर देंगे। सर कितने बच्चे हैं ये? करीब 14 बच्चे हैं। क्या बता रहे हैं ये बच्चे, किस तरीके से इनसे काम लिया जाता था? बहुत ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, मार मार के काम लिया जाता है। इनके उंगलियां जो है आप देखेंगे तो इनके उंगलियां और हाथ ख़राब हो चुके हैं और सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल 6 साल 10 साल 12 साल तक के बच्चे हैं। पैसा कम दिया जाता है, अररिया बिहार के ये सारे बच्चे हैं और वहाँ से उन्हीं के गाँव का कोई आदमी इनको ले के आया यहाँ और वो काम करा रहा था। इनको ये नहीं मालूम था हमको ये काम करना है, उनको ले आया था कि तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। फिलहाल बच्चों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और जल्द ही इन बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।